दस तरीके लड़की आपके करीब आना चाहती है। आप सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन आप दोनों के दरमियान कुछ अजीब है जिस पर आप सिर्फ नजर रख सकते हैं। वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं, जिस तरह से वो आपके अर्द गिर्द बर्ताव करती है उसका सबूत काफी है कि वो खुफिया तौर पर आपसे मोहब्बत करती है। तो आए वो तरीके देखें जिसका मतलब है वो आपके करीब आना चाहती है। पहला इशारा, वो आपके सामने इंतहाई अजीब हो जाती है, उसके हाथ बेचैन हो जाते हैं, वो अपने बालों अपने फोन से खेलना शुरू कर देती है और बात करते हुए जब आप उसे देखते हैं तो वो शर्मा जाती है। दूसरा इशारा, वो हमेशा आपकी हर बात का जवाब देने वाली पहली लड़की होती है। आप जो कुछ भी करते हैं वो आपको किसी और से ज्यादा अहम रास्ता देती है और जब भी आपको जरूरत हो आपको कंपनी देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तीसरा इशारा, वो इस बात को बहुत ज्यादा अहमियत देती है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। वो इस बात की बहुत परवाह करती है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो अपने बारे में आपकी राय की परवाह करती है। और वो चाहती है कि आप इसके बारे में बेहतरीन सोचें, और जिस तरह से वो मुसलसल आपकी राय को तब्दील करने की कोशिश कर रही है इससे ये बिल्कुल वाज़ह है कि वो आपके करीब आना चाहती है। चौथा इशारा, वो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा शमूलियत दिखाती है, यहाँ तक कि आपके बेहतरीन दोस्त से भी ज्यादा वो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती है। जब आप अकेले होते हैं तो आप क्या करते हैं, आपने कितनी लड़कियों के साथ को डेट किया है, आपका असल जज्बा क्या है, आपकी पसंदीदा फिल्में, आपको नाश्ते में क्या पसंद है वगैरह। पांचवा इशारा, वो आपको बेतरतीब चीट पैगामात भेजती है, वो फेसबुक पर आपका पीछा करती है और आपके नाम के सामने सब्स आइकन के रोशन होने का इंतजार करती है, वो हमेशा कोशिश करती है कि आपसे बात करने के लिए बेचैन नजर आए। छठा इशारा, वो हर वक्त आपकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती है, वो किसी और की कॉलें अटेंड नहीं करेगी, वो आपके लिए अपने मंसूबों को खत्म कर देगी, जब आप दोस्तों के साथ होंगे तो वो अकेले घूमेगी ताकि वो आपके साथ कुछ तन्हा वक्त गुजार सके। सातवां इशारा, जब आप मिलते हैं तो वो किसी दोस्त की तरह आपसे बात करती है, लेकिन जैसे ही आप घर वापस आते हैं और उसके साथ ऑनलाइन बातचीत करते हैं तो वो छेड़छाड़ करने लगती है, वो चीट पर बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। ये शायद इसलिए है कि वो आपके साथ जाती तौर पर छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं कर सकी। आठवां इशारा, अगर आप दूसरी लड़कियों से बात करते हैं तो वो हसद के आसार दिखाती है, दूसरी लड़की को तवज्जो दिलाने पर वो आप पर पागल हो जाती है। नवा इशारा, जब आप किसी पार्टी में होते हैं तो वो किसी ना किसी तरह हमेशा आपकी नजरों में रहती है और वो बिल्कुल जानती है कि आप कहाँ बैठे हैं, वो हमेशा इस बात को यकीनी बनाती है कि वो आपको इस पर तवज्जो देने के काफी मौके फराहम करे, खास तौर पर अगर वो पूरी तरह तैयार है। दसवां इशारा, वो आपको मुख्तलिफ अंदाज में देखती है, जिस तरह दूसरी लड़कियां आपको देखती हैं इससे बिल्कुल अलग, यहाँ तक कि जब आप किसी और से बात कर रहे होते हैं इसकी नजरें आप पर होती हैं, आप देख सकते हैं कि वो कशिश की हर हरकत पर हावी है, मतलब वो वाज़े तौर पर आप पर मुतवज्जे है। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं इनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते अब तक पहुंच जाएगी।
और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।